किस तरह से नए नए जो टेक्निक अब आ रही हैं जिससे घुटने को बचाया जा सकता है, वो सब पद्धतियाँ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और इन सब के लगभग 200 डेलीगेट्स जो यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न क्षेत्रों से, वो सब लाभान्वित होंगे और अंततः मरीजों को इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। तो मेडिकल एसोसिएशन का एक दिवसीय सिंपोजियम हो रहा है, इसमें करीब 6 प्रदेशों के लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें करीब 200 डेलीगेट्स ने भाग लिया है, और जिसमें हम घुटने के चारों तरफ होने वाली विकृतियों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं और जो नई टेक्निक्स है उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके बावजूद भी जो घुटने ख़राब होते हैं उनको भी बचाने के बहुत से रास्ते हैं, तो उन सब पर विचार हो रहा है। इसमें बॉम्बे से, दिल्ली से और कानपुर से स्पेशल इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो आए हुए हैं। जो स्पेशल अभी नई टेक्निक आई है जिस पर काम हो रहा है, उस पर सारे विचार हुए थे और ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। करीब करीब इसमें 200 लोग डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, लाभान्वित हुए। हम बताएंगे कैसे घुटनों के प्रत्यारोपण से बचा जा सकता है अर्ली स्टेज में जब घुटने ख़राब हो जाए। तो जैसे डॉक्टर मंगल परियार हैं, डॉक्टर संजय रस्तोगी हैं, तो उसमें काफ़ी सब लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं केसेस के बारे में अपने शोध कार्य यहाँ पर प्रस्तुत किए। मरीज़ों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर कार्यशाला चल रही, वर्कशॉप चल रही है, जिससे कि डॉक्टर मंगल परियार, डॉक्टर संजय रस्तोगी जैसे अच्छे जो हमारे विशेषज्ञ हैं डी रोग वो आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया काफ़ी केसेस को लेकर, जिससे काफ़ी लोग जो हमारे डेलीगेट्स हैं लाभान्वित हुए। बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग पर्पज से ही इसका एसोसिएशन का उद्देश्य रहता है। ये जो वर्कशॉप हो रही है ये बेसिकली नी जॉइंट्स के अराउंड डिफॉर्मिटीज़ और जो पेंस रहते हैं जॉइंट्स को ओल्ड एज में, उसके संदर्भ में हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर जो है डिटेल में डिस्कशन हो रहा है।